महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। एक ऐसी ही घटना संगम बिहार में रहने वाली लड़की जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम ऑफिस में काम करती थी, जिसकी रहस्यमय डेड बॉडी हरियाणा सूरज कुंड में मिली, जिस पर चाकू से 50 से 60 बार मारा गया और लड़की के प्राइवेट पार्ट काट कर बड़ी बेरहमी से लड़की को मार दिया जाता है, और जिसमें 27/8/2021 से लेकर 4/9/2021 तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस ने और हरियाणा पुलिस चुप्पी साधे हुए हैं। पीड़ित परिवार की मदद के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और एक्स निगम पार्षद सतीश गुप्ता और पार्टी कार्यकर्ता रईस उद्दीन ने पीड़ित परिवार की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ है। देखने वाली बात यह है कि साउथ ईस्ट के डीएम विश्वेंद्र और पूरी टीम, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी और दिल्ली पुलिस ने क्यों चुप्पी साधी हुई है। यह एक बहुत ही निंदनीय घटना है जिसको लेकर पीड़ित परिवार को सरकार और दिल्ली पुलिस को मदद करनी चाहिए। पता नहीं यह लोग क्यों चुप्पी साधे रखे हैं। जिस दिन लड़की साउथ डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस में ड्यूटी पर गई थी तो उस क्षेत्र के थाने में ऐसा क्यों नहीं लिखी गई मिसिंग की, किडनैपिंग की, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से जो धारा बनती है। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लापरवाही दिखाई देता है, क्योंकि लड़की की मौत होने से पहले कुछ दिन पहले साउथ ईस्ट के डीएम ऑफिस में कुछ अधिकारियों पर एंटी करप्शन का छापा पड़ता है। उसके एक दो दिन बाद लड़की की रेस में डेड बॉडी हरियाणा में मिलती है, जो डीएम ऑफिस में अपनी ड्यूटी करने गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने का नाम नहीं ले रही है। ना जाने इस वारदात में कितने बड़े अधिकारी शामिल है। आज उनके यहाँ संवेदना प्रकट करने आई है। जी जी, 4 से 5 दिन हो गए हैं आज जी जी इस केस को हुए जी। वो लड़की सरकारी ड्यूटी करती थी, डीएम के ऑफिस में थी जी। और उसका इस तरह से दिल्ली से ले जाकर के फरीदाबाद में जिस तरह से जो घिनौनी हरकत उसके साथ हुई, जिस तरह से उसका मर्डर किया गया है, ये बहुत शर्म की बात है। दोनों सरकारों के लिए शर्म की बात है कि कोई सरकार आज तक मुलजिमों को पकड़ नहीं पाई है। वो चाहे कितनी भी अपने पीछे पहुंच रखते हो, दोषी है, फौरी तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चले। कोर्ट चलने के बाद उन दोषियों को फांसी चाहिए, सिर्फ फांसी। फांसी के अलावा हमारा कोई और विकल्प नहीं है कि आप उनको उम्र कैद करो, हमें फांसी चाहिए। उन्होंने क्या कहा इस मामले में? मौजूद जो डीएम है, भी किसी कोई अधिकारी ने इस पे कोई बात नहीं। ऐसा सर हो सकता है इसको प्री प्लानिंग करके इस लड़की के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया हो, इसको बलि का बकरा बनाया हो, नहीं समझेगा। मैं सीधे सीधे क्या पता कुछ ऐसा जानती हो। हाँ, वो उनके बारे में कुछ सुराग उनके पास मौजूद होंगे तो उन्होंने उसको दबाने के लिए उस लड़की के साथ ऐसा किया। तो सर आज यहाँ कौन कौन मौजूद रहे? यहाँ पे हमारे दिल्ली उपाध्यक्ष अली मेहंदी जी, अच्छा, और यहाँ से विजेंद्र बॉक्सर जी, और यहाँ के जिला अध्यक्ष मैरोली के राजेश चौहान जी, विष्णु अग्रवाल जी, और बहुत सारे साथी यहाँ के जो मौजूद हैं। और हमारे समाज की बेटी थी, हमारी बहन है वो, मैं संगम विहार से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, तो उस नाते भी, एक भाई के नाते भी, एक परिवार के नाते भी मैं यहाँ पर पूरे डेलीगेशन के साथ पहुँचा हूँ। सिर्फ हमें न्याय चाहिए, न्याय के अलावा हम और कुछ नहीं चाहते।